मनोज कम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रमुख संग्रहालय से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इकट्ठा एक जगह आपको नहीं मिलेगा, बहुत जगह से संग्रह करके हम आपके लिए ये वीडियो दे रहे हैं, तो देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए। तो ध्यान से देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करवाएंगे। पहले देखेंगे कौन संग्रहालय कहाँ है, उसके बाद जो है हम आपको टोटल के टोटल याद करवाएंगे, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए प्रमुख संग्रहालय, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाते हैं वो ध्यान देंगे, तो ये जो है आपको 18 मई को मनाते हैं, क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अब देखिए आते हैं इधर, शराब संग्रहालय ये जो है आपका गोवा में, कहा है गोवा में। इसके बाद डकैत संग्रहालय ये जो है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश। अब देखिए शांति संग्रहालय ये कहा है, तो मणिपुर में, कहा है मणिपुर। आगे देखिएगा हीरा संग्रहालय ये जो है आपको एमपी में है, और एमपी में कहा, तो खजुराहो, खजुराहो, ठीक है। ऐसे ज्यादातर एमपी ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्वेश्चन हार्ड बनाएगा तो खजुराहो दे सकता है। सिनेमा संग्रहालय ये जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, और ये कहा, तो महाराष्ट्र के मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। अब देखिए इत्र संग्रहालय तो ये यूपी में है, और यूपी के कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में, कहा है कन्नौज में। संगीत संग्रहालय ये जो है आपका तमिलनाडु में, संगीत संग्रहालय जो है आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के जो है थिरुविचारु में, तमिलनाडु के कहा, ठीक है, थिरुविचारु में, ठीक है। ये क्वेश्चन को हार्ड बनाएगा तभी ये सब देगा, ठीक है। कीट संग्रहालय ये भी तमिलनाडु में, तमिलनाडु। फिर जो है रामायण संग्रहालय ये भी, ये जो है यूपी में है, और यूपी में बाराबंकी। फिर श्रम संग्रहालय ये जो है आपका केरल में, केरल, श्रम संग्रहालय जो है केरल में है, और केरल के अल्लापुझा में, अल्लापुझा, ठीक है, अल्लापुझा। थोड़ा सा लिखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले राष्ट्रीय खेल संग्रहालय ये जो है आपका दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय दिल्ली में, इसको लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जनजातीय संग्रहालय ये जो है झारखंड में है, कहाँ है, झारखंड कहा, रांची, झारखंड के कहा, तो रांची। पुलिस संग्रहालय ये जो है आपका दिल्ली में है, कहा है, दिल्ली में, पुलिस संग्रहालय दिल्ली में। आप देखिए आजादी के दीवाने संग्रहालय ये जो है लाल किला, लाल किला, लाल किला जो है ये दिल्ली में है, दिल्ली वाला लाल किला है, वही जो है आजादी के दीवाने संग्रहालय है। आगे देखिए ये जो है अल्लापुझा है, अल्लापुझा, अल्लापुझा में, ठीक है। चलिए अब रह गया बात याद करवाने का, ध्यान दीजिए और बने रहिए लास्ट तक, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ बात का प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से आपको याद होगा, और वो बात का प्रयोग सिर्फ आपको याद कराने के लिए करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखा हुआ शराब, शराब संग्रहालय कहा, गोवा। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तब पी लेला के बाद ना देखते हैं एकदम गोबर हो ले, तो गोवा को बना देना है गोबर, जो शराब पिएगा वो एकदम गोबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए डकैत संग्रहालय कहा है, एमपी में। मान लिया जाए कि चोर रात में आता है, आता है ना, डकैतवा जो रहता है दिन में डकैती कर लेता है, तो कहने का मतलब ये कि डकैत जो है वो अगर रहेगा तो कहाँ रहेगा, है जंगल में रहेगा, तो जंगल सबसे ज्यादा कहाँ, तो एमपी में, तो इसलिए याद रखना है कि डकैत संग्रहालय कहाँ, एमपी में। अब देखिए शांति, शांति संग्रहालय कहाँ, मणिपुर में। अगर आपके पास मणिपुरा है
तो आप शांत रहिएगा। जहां मनी खत्म हुआ तब सोचिएगा गणेश से पैसा आता है, गणेश मनी आता है ना। तो मणिपुर में आपका शांति संग्रहालय, शांत रहना है तो क्या चाहिए, मनी चाहिए है ना। तो शांति संग्रहालय कहा, मणिपुर में। आगे देखिए हीरा संग्रहालय, तो एमपी खजुराहो। आपको पता है कि हीरा पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश क्लियर हो रहा है यहां से, और ये पन्ना में नहीं कहा है, खजुराहो है ना। हीरा जो है एमपी के खजुराहो में। अब देखिए सिनेमा संग्रहालय, तो ये जो है आपको महाराष्ट्र मुंबई। आपको पता है कि जो भी सिनेमा जो शूट होता है ज्यादातर जो है मुंबई उनका स्थान होता है, महत्वपूर्ण है ठीक है। और मुंबई कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। अब देखिए इत्र संग्रहालय, इत्र जो होता है ये क्यों प्रयोग किया जाता है, खुशबू के लिए है ना, यानी कि शरीर से खुशबू निकलने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए इत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग खुशबू के लिए है ना। तो सोचिए कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं, तो खुशबुओं का शहर कहते हैं। खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं, कन्नौज को। तो यहां से आपको लिंक करके याद कर सकते हैं कि इत्र जो है प्रयोग करते हैं खुशबुओं के लिए, और खुशबुओं का शहर कौन, कन्नौज। ये है कहा, तो यूपी में है ठीक है। अब देखिए संगीत संग्रहालय और कीट संग्रहालय, ये दोनों को मिला के याद करवाते हैं ठीक है। दोनों का है तमिलनाडु थिरु विचारु। आप देखिए मान लिया जाए कोई संगीत गा रहा है, जिसे मान लिया कोई किसी से मिलने गया ठीक है, तो ना पूरा गाना वाना गीत उत गा रहा है, गीत संगीत गाते रहता है, तो ना कहता है कि एकदम आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाते हैं है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया। लेकिन देखिए ये संगीत लिखा ले, कीट लिखा ले, कीट को बना दीजिए कूट, कोची कूट बना दीजिए, कोची बना दीजिए कूट। अब संगीत गा रहा था, कोई से मिले गया था और संगीत गा रहा था, कूटा आ गया बेचारा, कूटा आ गया, कोची हुआ कूटा आ गया समझे। तो ना कोई कहता है बेचारा पीटा गए है ना, कूटा गए है ना। तो याद रखना है संगीत संग्रहालय कहा, तमिलनाडु, इसको याद रखना है। इसे संगीत गा रहा था, मिले गया था तब है ना, तो पीटा आया, तो ना कहता है कि बेचारा पीटा गए, तो बेचारू इधर आ जाएगा। और कीट मतलब कूटा गए, कहा गए है, मिले गए है, तो कीट के तमिलनाडु ठीक है। रामायण, रामायण जो है आपको पता है कि भगवान श्री राम कहा के थे, यूपी के थे, और यूपी में कहा, बाराबंकी। अब देखिए आपको पता है बाराबंकी लिंक करके याद करवाते हैं कैसे। मान लिया जाए कि शूर्पणखा आई थी ना, तो उनका जो है नाक कान काट लिया गया था, तो गोस्वा में कही थी कुछ न कि काफिर में ही कि हम इतने ही है, अभी बड़ा बड़ा बाकी है, मतलब रावण उवन सब बाकी है। भगवान राम तो सब जान ही रहे थे कि का वो है और न है, हम उसको तो का करेंगे, जो तो भगवान खुद जान रहे थे। तो बाराबंकी यूपी में रामायण संग्रहालय। अब देखिए श्रम संग्रहालय, ये कहा, केरल, केरल। श्रम संग्रहालय कहा, तो केरल अल्लापूझा में, अल्लापूझा केरल में श्रम संग्रहालय। आगे देखिए राष्ट्रीय खेल संग्रहालय, ये कहा, नई दिल्ली, या दिल्ली कह सकते हैं, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहा, तो दिल्ली। ध्यान दीजिए श्रम जो है, श्रम संग्रहालय जो है ये कहा है, केरल के अल्लापूझा में, अल्लापूझा में है ना। और राष्ट्रीय खेल संग्रहालय, तो इसमें राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय समझ सकते हैं कि कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। क्यों, क्योंकि राष्ट्र का जो है राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली। तो राष्ट्रीय खेल होगा कहाँ होगा, दिल्ली में, तो राष्ट्रीय खेल संग्रहालय दिल्ली में। आगे देखिए जनजातीय संग्रहालय, तो आपको पता है ये कहाँ, झारखंड। आपको पता है कि एक जनजाति होता है मुंडा, मुंडा है ना, पहले अर्जुन मुंडा थे मुख्यमंत्री वहां के है ना, झारखंड के। तो आपको जनजातीय उसको से लिंक करना है कि जनजाति जो है कौन जनजाति था, तो मुंडा था। कहाँ रहता था, तो झारखंड के रांची में रहता था ठीक है। अब देखिए पुलिस है, तो पुलिस संग्रहालय कहाँ, दिल्ली में। पुलिस संग्रहालय कहाँ, तो दिल्ली में। पुलिस जो है कहाँ है, दिल्ली में, याद रखना है कि पुलिस संग्रहालय कहाँ, तो दिल्ली में है ना। अब देखिए आजादी के दीवाने संग्रहालय, ये कहाँ, लाल किला। जैसे मान लीजिए आजादी के दीवाने है ना, कह रहे हैं कि हम आजादी के दीवाने हैं, एकदम आजाद हैं, दीवाना है लेकिन आजाद है, हम कहाँ घूमेंगे, लाल किला है ना, लाल किला है ना, लाल पीला, लाल पीला या लाल किला, याद रखना है दिल्ली है ना। तो देखिए इस तरह से आपको याद रखना है ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, शराब संग्रहालय गोवा, डकैत संग्रहालय एमपी, शांति संग्रहालय मणिपुर, हीरा संग्रहालय एमपी खजुराहो, सिनेमा संग्रहालय महाराष्ट्र मुंबई, इत्र संग्रहालय यूपी कन्नौज,
संगीत संग्रहालय तमिलनाडु थीरु विचारु और किट संग्रहालय तमिलनाडु, रामायण संग्रहालय यूपी बाराबंकी, श्रम संग्रहालय या श्रमिक संग्रहालय भी रह सकता है केरल अल्लाह पूजा में, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तो 18 मई को मनाते हैं, जनजातीय संग्रहालय कहा झारखंड रांची, पुलिस संग्रहालय कहा तो दिल्ली, और आजादी के दीवाने संग्रहालय तो कहा तो लाल किला, कहा तो लाल किला दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, एक लास्ट में जो है आपसे एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं और उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। खजुराहो में एक मंदिर था, एक मंदिर, ठीक है, खजुराहो कंदरिया महादेव का मंदिर, सीधा सीधा लिखते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ये जो है किसने बनवाया, किसने बनवाया, ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है किसने बनवाया, ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज मैं इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।